राम राम। मैं पंडित अरविंद तिवारी सरस्वती ज्योतिष विज्ञान के इस मंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के समय में मैं एक ऐसे उपाय के बारे में जिक्र करने जा रहा हूं जो मानव जीवन को बेहद लाभ प्रदान करता था। पहले के समय में हमारे घर कुछ इस तरह से होते थे कि वह उपाय अपने आप हो जाता था। हाँ, हमें थोड़ी पीड़ा होती थी वो उपाय जब कुदरत कराती थी हमसे, कुदरत अपने आप कराती थी, ठीक है। तो हमें थोड़ी पीड़ा जरूर होती थी और हमारा कुछ नुकसान भी हो जाता था, लेकिन हम राहु ग्रह की मंदी खराबियों से बच जाते थे। बेहद बेहतरीन था वो उपाय जो कुदरत हमसे खुद करवा देती थी, क्योंकि कुदरत हमसे क्यों वो उपाय करवा देती थी, क्योंकि उस समय सहज थे, सरल थे, थोड़े दयावान थे, परोपकारी थे, पुण्य काम करने वाले थे। तो जब भी कोई मुसीबत आने वाली होती थी राहु ग्रह से संबंधित, तो ईश्वर हमें खुद ही मदद भेजकर हमारे राहु ग्रह को शांत कर देते थे। लेकिन आज के समय में हमें राहु ग्रह को शांत करने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। कई बार हमें बेहतरीन इलाज, बेहतरीन ज्योतिषी ही नहीं मिल पाता, क्योंकि इसमें एक बेहतरीन ज्योतिषी की जरूरत होती है जिसका अपना राहु अच्छा हो, वही आपके राहु को कंट्रोल कर पाएगा, दूसरा कोई नहीं, ठीक है। तो वह उपाय क्या था जो कुदरत आपसे करवाती थी, पीड़ा देती थी, लेकिन हमारे ज्योतिषीय दृष्टिकोण से आपका राहु ग्रह सदा ठीक रहता था? वह उपाय था बिल्ली का आपके घर में घुसकर दूध पी जाना। तो आपने कई बार अपने माता पिता से सुना होगा, या कहिए कि देखा भी होगा, कि बिल्ली आपके घर में घुसी, आपने दूध उबाल कर रखा था या वैसे ही रखा था, रसोई घर में गई और चुपचाप से दूध पी गई। तो ये जो बिल्ली है ना, ये राहु ग्रह की प्रतीक है, ठीक है। शुद्ध रूप है राहु का बिल्ली। तो राहु जो ग्रह है शांत हो जाता था, कैसे, जब बिल्ली आपका दूध पीती थी। बिल्ली राहु का रूप और जो दूध है वह चंद्र, कहते हैं ना राहु चंद्र से ही शांत होता है, तो ये ईश्वर आपको मदद भेजते थे। अब ऐसा नहीं होता, कई लोग फ्लैट सिस्टम में रहते हैं, या हमारे ऐसे घर हैं जो चारों तरफ से बंद है, हवा भी बड़ी मुश्किल से हमारे घरों में घुस पाती है, तो बिल्ली की क्या मजाल। तो ये कुदरती मदद हमें मिलनी बंद हो गई, फिर नाना प्रकार के उपाय शुरू हो गए। तो अब जो वो उपाय खत्म हो चुका है, तो उसकी हम फिर से जीवित कर देंगे, क्या बात है। आपका राहु ग्रह ठीक करने के लिए करना क्या है, अपने घर की छत पर अगर बिल्लियां घूमती हैं आपके आजू बाजू, तो दूध का प्याला भर के रख दीजिए, और अगर बिल्ली आपके घर का दूध पी जाए तो खुशी मनाना, समझना आपका राहु ग्रह ठीक हो गया, कुदरत ने आपकी इस चीज को मंजूर कर लिया। हम कुत्ते की सेवा तो करते ही करते हैं, अगर बिल्ली की करेंगे ना, तो राहु ग्रह का डायरेक्ट उपाय होगा, ठीक है। तो अब वो समा तो नहीं है बिल्ली सीधा रसोई घर में घुस आए, जिनके घर में घुसती है वो खुश नसीब है और उस ईश्वर की कृपा के पात्र हैं कि उन्हें उस ईश्वर की सीधी मदद मिल रही है। तो राहु ग्रह का उपाय अगर कुदरत करा दे तो इससे बड़ा तो कुछ नहीं है। अगर कुदरत नहीं करा रही तो किसी मिट्टी के कुज्जे में दूध भर के अपनी छत पर रखिए। अगर बिल्लियां आपको दिखाई देती हैं आपके इर्द गिर्द, तो बिल्ली जब दूध पी जाएगी तो समझना राहु ग्रह ठीक हो गया। तो ये था आज का वीडियो, ऐसी आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद रहेगा, ठीक है, और मानव जीवन को सहज, सरल और सुखमय बनाने के लिए इस प्रयास को आप दूसरों तक भी पहुंचाएंगे और उनका भी भला जरूर करेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको समय रहते मिले। अपने अगले वीडियो तक जय माता दी।